नमस्कार, मैं हूं योजन उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। राजधानी लखनऊ के नाका थाने का वकीलों ने किया घेराव। नाका पुलिस से नाराज वकीलों ने किया नाका कोतवाली का घेराव। सभासद ने दबंगाई दिखाते हुए गिराई दुकान की दीवार। दुकान पर चल रहा है मुकदमा। भारतीय जनता पार्टी के सभासद राजू दीक्षित ने दबंगाई दिखाते हुए गिराई दुकान की दीवार। मामले को वकीलों ने लिया संज्ञान, किया थाने का घेराव। पुलिस पर लगाए सभासद के साथ मिली भगत का आरोप। मैं रविंद्र प्रताप सिंह चौहान, एडवोकेट। आज आप लोग नाके थाने पे? हाँ, आज हम नाके थाने पे आना हमारी मजबूरी बन गई। हमारे पास पपिता जी की किराएदारी की दुकान है और उसका डिस्प्यूट सभासद राजू दीक्षित से चल रहा है, जो कि सत्ता पार्टी के नशे में चूर है। माननीय सिविल जज नॉर्थ जूनियर डिवीजन लखनऊ के यहाँ से हमारे पक्ष में इससे भी है। उस इससे के बावजूद राजू दीक्षित ने अपनी दबंगई के प्रभाव से 22-23 तारीख की रात में उसको हमारी दुकान की दीवार गिरवा दी है और कब्जा करने की कोशिश की। दूसरे दिन हमने जो स्वच्छ छवि वाली पार्टी है, जिसमें की बड़ी तेजी से सुनवाई होते, हमने पीएम, सीएम और होम सेक्रेटरी सभी जगह लेटर पोस्ट किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने पे हमारे पिताजी आए, 80 साल के पिताजी हैं, वो आए और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर उसके बाद उनके हौसले इतने पस्त हो गए, इतने बढ़ गए कि परसों फिर सुबह दिन दहाड़े 10:30 बजे आ गए अपने आदमियों को लेके और हमारे भाई के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। वहां से जो ईंटें थी ईंटें उठा ले गए, हमारा सामान मेज कुर्सी वगैरह उठा ले गए। हमने यहाँ पे थाने को सबको सूचना दी, उसके बाद कोई कार्रवाई परसों से आज तक नहीं हुई। उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मजबूरी में हमको आना पड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम FIR दर्ज करेंगे और हम उसी लिए रुके हुए हैं।